जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास से यूपी बोर्ड क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 के मैथ का मॉडल पेपर। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने इस पेपर को हाफ सॉल्व किया था, यानी कि हमने आपको आंसर बता दिए थे। कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि भैया आंसर बताने से कुछ नहीं होगा, इसको आप पूरा सॉल्व करके बताइए स्टेप बाय स्टेप कि पेपर में हम कैसे लिखेंगे। तो आज की वीडियो में हम पूरा कॉपी में बकायदे हमने लिखा है, जितने इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में, और कैसे आपको लिखना है वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पांच क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आपका सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिखना। फिर का वाला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए में ए बी सी है, यानी समुच्चय ए बराबर ए बी सी, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या है। तो हमने टिक तो पहले से ही किया हुआ है, क्योंकि हमने बोला है कि हमने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया है। तो इसका आंसर आपको ये दिया गया है, इसको लिखना कैसे हम ये देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सभी का आंसर क्या होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। ठीक है, तो पांच क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में डालना है ऊपर प्रश्नोत्तरांक नंबर एक। ठीक है, हमने डाला प्रश्नोत्तरांक नंबर एक ऊपर, आपको ये डालना है। अब आपको ये डालना है कहाँ कहाँ तक है इसमें, का खा गा घा और अंगा पांच हैं। तो हम नीले स्केच से एक एक लाइन छोड़कर, जैसे हमने यहाँ पर डाला अपना क्या कहते हैं हेडिंग डाली हमने यहाँ पर ऊपर, तो एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे का, फिर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे खा, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे गा, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे घा, और फिर ऐसे अंगा लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि का वाले ऑप्शन में कौन सा सही है, तो का में हमारा दा वाला ऑप्शन सही है, तो हम का के सामने लिखेंगे दा, और जो लिखा हुआ है दा में उसे लिख देंगे। का में दा है आठ, तो हमने लिख लिया का दा आठ। खा में हमारा दा वाला सही है, तो हमने खा में दा लिख दिया, अब ये हमारा दूसरा आंसर सही हो गया। गा में हमारा बा वाला सही है, तो हमने गा में क्या किया, यहाँ पर बा लिख दिया, और बा साठ है हमारा, साठ हमने लिख दिया, ये हमारा सही हो गया। पांचों का आपको ऐसे लिख देना है, और अगर आपने पांचों लिख दिया तो इस तरह से लिखेंगे तो पाँच नंबर आपको मिल जाएंगे। प्लस में आप लाइन छोड़कर लिख रहे हैं तो आपकी कॉपी भी भर जाएगी। मान चलिए एक पेज आपका इसे भर जाना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ बढ़िया से लिख रहा है, दूर दूर लिख रहा है, और दूर दूर लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे आप। फिलहाल ये तो हो गई बहुविकल्पीय की बात। अब हम देखते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि हमें क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है दूसरे का, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये पूछ रहा है समुच्चय ए बराबर 2, 4, 8, 16, 32, 64 को निर्माण विधि में लिखिए। ठीक है, तो समुच्चय ए बराबर 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64 को निर्माण विधि में लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आंसर दे रहे हैं प्रश्नोत्तरांक दो के का आंसर का, तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक दो का जिसका हम आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये खा है, ये है आपका का वाला, हमने लिखा प्रश्नोत्तरांक नंबर दो का। अब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतार लेना है, तो हमें क्या दिया गया है, दिया है ए बराबर इतना दिया है, तो हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक दो का ए बराबर इतना। अब समुच्चय निर्माण विधि से हम कैसे लिखेंगे, तो क्या है इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि x such that x belong बराबर 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n है, x बराबर 2 की पावर n है, यहाँ पर हम दो लिखेंगे और हम इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे, हमें ये मिलता जाएगा। n में आप कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ऐसे ही 2 की पावर n, ये आपका सूत्र है, इतना लिख देंगे। ये कितने का नंबर का है, एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखना है, एक नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह दूसरे खा का हम आंसर देखते हैं, ये है x + y x - 2y = 7, 1 है, इसमें xy का मान ज्ञात करना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे का खा है, तो हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा हम लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर दो का। अब हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया क्या है, तो दिया है x + y, x - 2y = 7, 1, हमने लिख दिया x + y, x - 2y = 7, 1, ये हमें दिया था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक पेन से दिया है, और उसके बाद इसे लिख लेंगे। अभी एक वीडियो आएगी क्लास 12th के लिए कि क्लास 12th के मैथ में अगर आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तब भी आप कैसे पास हो सकते हैं, उसको आप लोग भी देख लीजिएगा, क्योंकि 12th का सिलेबस 11th से मिलता जुलता है, 11th 12th के लिए सेम वीडियो रहती है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बिना पढ़े या कम पढ़कर आप मैथ के पेपर में कैसे पास हो सकते हैं क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। फिलहाल हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हम लिखेंगे पहले जो दिया गया है, तो हमने लिख लिया इतना दिया गया है।
अब देखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया, हमने लिखा है x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस 2y बराबर 1 दिया गया है, x माइनस 2y बराबर हमने 1 लिख दिया। समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को हमने घटा लिया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया y बराबर 2 मिल गया। एक में से दो को घटाएंगे y बराबर आपको 2 मिल जाएगा। अब y बराबर 2 मिल जाएगा तो हम y बराबर 2 इसमें रख देंगे तो x बराबर 5 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और जहां पर x या y का मान पता चल रहा है उसको हम ऐसे चार कोना उस पर बना देंगे, उसको हम ढक देंगे। ठीक है, अब यहां पर x बराबर 5 हो गया, हम लिख देंगे आंसर और आंसर में जो हमारा आंसर आया है उसे हम लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये पाँचवा क्वेश्चन, सॉरी दूसरे का गा वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 4, बी बराबर 6 है तथा कोण बी बराबर 30 डिग्री है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन ए बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्नोत्तरांक नंबर डालेंगे, फिर जो दिया गया है आपको वो लिखना है, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर इस चित्र को बना लेना है। अगर आप बनाना चाहें तो चित्र बनाएंगे तो आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं पेंसिल से आपको बनाना पड़ेगा, पेन से बनाने पर नंबर कट जाते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर सूत्र लग जाएगा साइन का और साइन के नियम से इसको हम पूरा हल कर देंगे। आंसर आपको मिल जाएगा साइन ए बराबर 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर को हम बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे हाईलाइट हो जाएगा। एक नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा आपको भागदौड़ नहीं करनी है, अगर आपको सीधा आंसर पता है तो आप तीन लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 गा में क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है घा में 6 का फैक्टोरियल माइनस 5 के फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। राइट आंसर है आपका 600। कैसे है, तो आप लिख देंगे 6 का फैक्टोरियल माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर आप पेपर में लिख रहे हैं तो आप सीधा हल कर दीजिएगा, सूत्र हमने आपको बताने के लिए लिखा है, तो सूत्र ये है आपका और इसको आप हल कर देंगे तो आपको 600 आपका आंसर आ जाएगा और आंसर को आप बॉक्स में बंद कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका पाँचवा क्वेश्चन ये है, 5 + 12 आयोटा समित संख्या का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप सोचेंगे आपके लिए प्राथमिकता रहनी चाहिए कि कितना टाइम आपका बच जाए और कितने कम जगह में आप कर डालें। जैसे चार लाइन में ये हो गया है हमारा, चार लाइन में हम कर लेते हैं, आंसर पूरा मिल जाएगा। मैथ में आपको 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर पर फोकस करना है, आपको छोटे मोटे क्वेश्चन पर, एक नंबर के क्वेश्चन पर ज़्यादा वक्त नहीं बिताना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है तीसरे का ये बोल रहा है, यदि ए समुच्चय ए 1, 2, 3, 4 हैं, बी समुच्चय में 3, 4, 5 है, तो ए यूनियन बी का मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने ए यूनियन बी का मान बता दिया। इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि इसमें इतने स्टेप्स ही होते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप स्टेप्स बढ़ा कर लिखिए, जितना बड़ा लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है तो नंबर आपको मिल जाएंगे वहाँ से। कैसे लिखना है, फिलहाल वीडियो आएगी आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तीसरे का खा वाला है, यदि ए बराबर 1, 2 है, बी बराबर एक्स कामा वाई है, तो ए क्रॉस बी का मान बताना है। ये आपको सिंपल सा है, पहले a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है, पूछा क्या गया है, a क्रॉस b पूछा गया है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, a क्रॉस b बराबर इतना हो जाएगा और आपको आंसर यहाँ पर मिल गया। आप चाहें तो इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है आंसर, इसको आप नेक्स्ट लाइन में बंद कर दीजिएगा। पहले ऐसे लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे आंसर, फिर इतना लिखकर आप इसे बंद कर देंगे। ठीक है, तीसरे का क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। रेडियन में बदलना है, बहुत सिंपल, जितने स्टेप्स आपको पता है करते जाइए, अंत में आपका आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 121π/540 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा आंसर है इसका, इसको आप देखिएगा, तीसरे का घा 2 नंबर का है, ये बोल रहा है NP6 = 3, NP4 है, तो इसमें n का मान बताइए। n का मान आएगा 9, कैसे आएगा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी 1 घंटे, सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो। फिलहाल इसमें हमने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी दे दी है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिखने में आपको आसानी पड़ेगी, आप जल्दी से सारे आंसर लिख डालेंगे। ठीक है, चौथे का क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ये क्वेश्चन है, यदि fx = x²+5x-3 है, तो इसमें f4 का मान ज्ञात करना था, आंसर 33 आता आपका, हमने f4 का मान ज्ञात कर लिया, आंसर 33 आ गया। ठीक है, अगला है चौथे का खा क्वेश्चन, ये बोल रहा है यदि NC5 = NC7 है, तो NP3 का मान बताइए। NP3 का मान 1320 आ रहा था, कैसे आ रहा था आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इतना हमने किया हल और यहाँ पर देखेंगे तो इसका मान हमने
ला दिया, कितना 1320 ला दिया। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 गा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है असमिका एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन वन को हल कीजिए, तो आ जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस थ्री, इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा हमने सॉल्व कर दिया है इसे, ऐसे आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा चौथे का घा वाला है और इसका आंसर हमें देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है श्रेणी 8, 12, 16 डॉट 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 124 में समांतर श्रेणी दी गई है, इसको आप हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है, सब कुछ आपको पता है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं पाँचवें का खा है, देखिएगा यहाँ पर ये पाँचवें का खा है। कई लोग सोचते हैं कि मान लीजिए हमने का लिख दिया तो ये पूरे को काट देते हैं और फिर लिखते हैं प्रश्नोत्तरांक 5 का ऐसे। अब मान चलिए हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तरांक नंबर 5 का लिख दिया और आंसर हमने 5 खा का दे दिया, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर का काट कर हम छोटा सा खा लिख देंगे, बस हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्नोत्तरांक 5 खा क्या बोलता है, यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि AB cos C माइनस C cos B बराबर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इसको आप सिद्ध करेंगे। अब ये थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, इतना आप लिखेंगे और आगे आएंगे, ठीक है, आगे आएंगे तो आपको ये देखिएगा इतना बड़ा मिल जाएगा, यहाँ से शुरू है और ये ख़त्म होगा यहाँ पर इति सिद्धम, जहाँ पर आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाए इति सिद्धम, आप ब्लैक पेन से आप हैंड्स प्रूव्ड आप जरूर लिख दीजिएगा, वहीं पर आपको नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको नंबर यहाँ पर देने हैं, आपने यहाँ पर क्वेश्चन का ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। हम पाँचवें का गा देखते हैं, पास्कल का नियम आपको इसमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हमने देखिएगा प्रश्नोत्तरांक 5 गा और क्वेश्चन में जो दिया था वो हमने लिखा, और सिद्ध करने की बारी आई तो हमने क्या कर लिया, LHS ले लिया, LHS बराबर RHS हम दिखा देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। वहाँ तक आपने देखा, उसके आगे आपको यहाँ से लिखना था, ऐसे आप देखते जाइए और यहाँ पर आकर के हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर हमने प्रूव किया तो प्रूव्ड हमने लिख दिया, हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड आप लिखेंगे तो वहाँ से आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, नहीं तो एग्जामिनर समझ नहीं पाता है कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए या कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए। देखिएगा प्रश्नोत्तरांक नंबर 5 घा हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है 3x माइनस 4 बाई 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 4, असमिका को हल करना था, हमने असमिका को हल कर दिया और आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया, इतना आ गया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ओके। अगला हम पाँचवें का अंगा क्वेश्चन देखते हैं, अंगा क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा है ये। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेखांकित युग्म 9x माइनस 10y बराबर 12 है, 2x माइनस 5 बराबर 0 है, तो प्रतिच्छेद बिंदु याद करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, समीकरण 1-2 मानकर आप हल करते तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाता। अब देखिए कई लोग इसमें कमेंट ये भी करेंगे कि आप हमें समझा नहीं रहे हैं कि कैसे है, आंसर आप दिखा रहे हैं, छापने को बोल रहे हैं, तो अगर ये समझाने की चीज़ होती ना तो हमें लगता है ये वीडियो की लेंथ होगी 1.5 घंटे कम से कम, उतने भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को खुद याद करना और समझाना, याद आप बहुत आसानी से कर लेंगे लेकिन समझाने लगेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है समझाने में एक एक क्वेश्चन को, और मैथ है तो मैथ में और टाइम लगता है, 3 घंटे से ज़्यादा लगते हैं लिखने में ही, तो समझाने में कितने टाइम लगेगा ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवें कच्चा इधर है और ये बोल रहा है 1/a + b / 1/2b और ये कॉमा लगाकर 1/b + c समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया है, पहले आप इसे लिखेंगे, इसे लिखने के बाद आप इधर आएंगे ऊपर से और ऊपर से आप ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे b बराबर आप इसे लिख देंगे √a/ac और ये गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध हो जाएगा। प्रश्नोत्तरांक नंबर 6 का हम का देखते हैं, 5 खंड हल करना है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो f(x = 1/√x − 3 फलन के प्रांत परिसर याद करने हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे हमने वीडियो में किया है आप कर सकते हैं, फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है चैप्टर 1 में ही आपको दिया गया होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जितने क्वेश्चन बेसिक जैसे मान चलिए इसमें से समूचे से मान लीजिए 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 बहुविकल्पीय आ रहे हैं या इसमें लघु उत्तरीय आ रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय में मान चलिए अगर आपको नहीं मिल रहा है एक भी क्वेश्चन समूचे का, तो इसका मतलब है समूचे का क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में नहीं आएगा,
जिस चैप्टर का क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय में इस पेपर में दिखाई दे रहा है वही चैप्टर बिलोंग करेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। और फर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। मैथ को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो लगेगा, और जितना ट्रिकी पढ़ेंगे ना उतना आसान होता चला जाएगा। तो मैथ को ट्रिक से पढ़िए, जो क्वेश्चन है उसके बेसिक को समझिए और देखिए कि आपसे वो पूछना क्या चाहता है। अगला हम फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं अपना। अभी पीछे जो आपको थीटा का मान ज्ञात करना था वो मिस हो गया था, तो उसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है 6 का घ, ठीक है, घ नहीं है, 6 का घ वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें गलती है, ठीक है, इसको हम थोड़ा लिख देते हैं। ये है 6 का घ है। इसका आंसर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है cos इंटू cos 60 प्लस डिग्री प्लस a इंटू cos 60 माइनस a इज इक्वल टू 1/4 cos 3a को सिद्ध कीजिए। आप क्या करना था, सिद्ध करना था, हमने इसको पूरा आसानी से लिखा बाकायदे, और सिद्ध करने के लिए आप देख रहे हैं ये पूरा एक पेज है आप जो देख रहे हैं। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आप लंबा खींचते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आप गलत भी कर रहे हैं तब भी नंबर मिल जाते हैं। बस अंत में आपको हैंस प्रूव्ड बड़े बड़े स्केजों से लिख देना है अच्छे से एक लाइन में, अंत में अगर आप पूर्व लिख देंगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। बीच में कोई स्टेप आपने गलत किया है तो एक आध दो नंबर कट जाएंगे, लेकिन 3 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप गलत भी लिख कर आते हैं। शर्त ये है आप एक पेज कम से कम लिखिएगा, उसके बाद अगर आपको प्रूव वाला क्वेश्चन गलत भी है तो 3 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा 5 में से आसानी से। 6 का घ हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो सिद्ध कीजिए ए 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस आयोटा ए होगा। ये आपको सिद्ध करना है, और हमने क्या किया LHS को लिया और LHS को लेकर दिए गए कंडीशन से हम सेट कर देंगे। अभी ये देखिएगा, ये पहला पेज ख़त्म हुआ इसको सिद्ध करने का, और यहाँ पर देखिए ये दूसरा पेज है आपका ख़त्म हो रहा है, ये इतना बड़ा है, ये दूसरा पेज आपका ख़त्म हुआ, और ये ख़त्म कहाँ है, तीसरे पेज पर। तो मान चलिए 5 नंबर में अगर आपसे बोला जाता है सिद्ध करने के लिए तो आप कम से कम 1.5 पेज जरूर लिख कर आइएगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। 5वें का अंग हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पर हम बार बार 5 हमने लिख दिया, ये 6 वाला है चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 6 का अंग हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है यदि x बराबर -5 प्लस 2 अंडर रूट -4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस एक्स प्लस 4, आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। आप इसका मान आसानी से याद करते हैं इस मेथड से, और आंसर आ गया आपका प्लस में 160 आया है यहाँ पर देखिएगा, और आंसर आपका fx बराबर आ गया 160, यानी fx का मतलब है जो आपको यहाँ पर दिया गया है इसका मान है 160। अगला क्वेश्चन 7वें का ख है, यहाँ पर देखिएगा 7वें का ख, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कौन सा है, ये वाला है त्रिभुज ABC में आपको सिद्ध करना है 0 होगा। हमने क्या किया, सिद्ध किया, ये आपका पहला पेज है और ये आपका दूसरा पेज है। आई थिंक सब कुछ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये आपका हो गया प्रूफ दूसरे पेपर में, दूसरे में। अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें में भी हमने खा लिखा है, और 8वें में क्या बोला जा रहा है आपको, ये बोला जा रहा है क्या कहते हैं समीकरण में आपको इसमें भी 0 दिखाना है, इसको भी हम हल करेंगे। 7-8 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हुआ और ये पहले में ही इस हमारा हल हो गया, ठीक है, ये पहले में हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, ये है यहाँ पर 8वां हमारा हो गया। 9वें का ख हम देखते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही हल करना है। 9वें का ख ये है, इसका आपको मान बताना था, ठीक है, सॉरी का वाला हमने हल किया है, इसका आपको मान बताना था तो हम लिख देते हैं का, ये का वाला है। अब का वाला आप हल करेंगे तो थोड़े में ही हल हो जा रहा है, यहाँ से आपको पूरे नंबर मिल गए। आई थिंक आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और भी पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं क्लास 11th के कि नहीं ये हम आप हमें कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां पर क्लिक करके आप क्लास 11th के सभी मॉडल पेपर को देख सकते हैं और उसके सारे के आंसर भी देख सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम मिलेंगे इसे किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।